नमस्कार। हमने सुपरमैन को देखा है, हीमैन को देखा है, बैटमैन को देखा है, पर्दे पर क्रिश को देखा है और हाल ही में रावण को देखा है। सुपर हीरो तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन सुपर वुमेन पर क्या? कहाँ है सुपर वुमेन? यही तो है वो सुपर वुमेन। मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का इंतजार करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की कतार में खड़े हुए, या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भीड़ में उचकते हुए, घर दफ्तर समाज हर जगह अपने आप को साबित करने की होड़ में ये सुपर वुमन खुद को गलाती और सताती आ रही है। जी जयश्री, इस भागती दौड़ती जिंदगी में शायद हमें थमने की जरूरत है, ठहर कर ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में महिलाएं कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। A man needs a costume to become a superman. But a woman, she's superwoman anyway. She doesn't need to put on a costume. Because सबको ये कहते हैं कि बेटी ज्यादा लविंग है, ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा लॉयल है। बेटी अपना नौकरी भी करेगी, अपना बच्चों का होमवर्क भी करेगी, अपना हस्बैंड को भी देखेगी, वो दुकान से दाल चावल आटा सब्जी गैस सिलेंडर सब चीज का इंतजाम करेगी और अपना पेरेंट्स को भी देखेगी। भी वी गेट अ बिट अपसेट, आई फील दैट वी आर कैरिंग मच मोर देन आवर शेयर कंपेयर्ड विद अदर मेन। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग देयर इजंट, पर इसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स और कुछ नेगेटिव भी थोड़ा बहुत साथ साथ चलते ही रहते। हस्बैंड मेक्स ऑल द डिफरेंस। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड आल्सो। इतना बार टूर पे जाते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो घर तो उन्हीं को संभालना पड़ता है, साथ साथ करते हैं एवरीथिंग। दे मेक ऑल द डिफरेंस। एंड व्हेन अ हस्बैंड टेक्स प्राइड इन हिज वाइफ्स अचीवमेंट्स, when he realizes ki when a wife does well it's himself doing well, it makes all the difference. And again I would give credit to the mothers of the husbands, actually those who have brought them up with the right values. See, my mother was what you would call a housewife or a homemaker, but what should she make? She made me actually what I am today, that you've actually come to talk with me. I think yes, she should not. What she's doing is very wonderful work. If it wasn't for her, we wouldn't be here today, none of us actually. They should not belittle herself. And there's so many interesting studies, Amit, you must have come across them, that if she were getting even a minimal salary for the kind of work she does, they would all be crorepatis, I think, at this time. I don't regret being a woman. I'm very happy to be one, and if I had my choice again, I would actually be a woman. I wanted a daughter. I got a son. Of course, I love him very much. I would have preferred a daughter because I think women make more of an impact. महिला सशक्तिकरण की जब भी बात होती है तो जयश्री, एनालिस्ट का ये भी मानना है कि महिला उस दिन सशक्त हो जाएगी जिस दिन वो अपने आप को सशक्त समझेगी। She has to feel the feeling of self-worth and self-pride in her. I totally agree, but somewhere she needs support from friends and family too. नहीं तो उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल हो जाता। लेकिन इतिहास में अगर हम देखें तो कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कंफर्ट जोन से महिलाएं बाहर आई हैं, चुनौतियों का उन्होंने डट के सामना किया है और रोल मॉडल्स बनी हैं समाज के लिए। बिल्कुल, इतिहास के पन्ने पलटे तो पन्ना धाई, जिन्होंने एक वंश को बचाने के लिए अपनी संतान को आगे कर दिया, राजपूत वीरांगना हाडा रानी, या फिर मीराबाई जिन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। जी, और मौजूदा दौर में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, फिर चाहे देश की माननीय राष्ट्रपति हों, लोकसभा की अध्यक्षा हों, केंद्र व राज्य में मंत्री पद पर आसीन महिलाएं हों, और राजनीति ही क्यों, उद्योग जगत से कई महिलाएं जुड़ी हैं, समाज सुधार के क्षेत्र में हैं। बिल्कुल, तो आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं, इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरण। Great to be a woman. There are huge problems and obstacles, but I think you gain a certain sensitivity that perhaps men don't, because men, they take it for granted, you know. They don't face the kind of issues we face. So I think it enhances your sensitivities. It makes you a bit vulnerable, of course, but at the same time, I think you are a richer person emotionally and ultimately even intellectually. आप सोचिए, मेरी माँ थोड़ी दुखी हुई इस बात से, वो उनको नहीं था कि तू कर नौकरी,
देखो जाती हूँ कहीं मिलती हूँ तो लोग कहते हैं देखो उनके घर खाने को नहीं रहा जो बेटी को इस तरह की बातें भी आने लगी। पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के वक्त तक गाने वालियों को या गाना गाने वालियों को बुरा समझा जाता था और अच्छे ख़ानदान की लड़कियां और बहुएं बेटियां नहीं गाती थी ना रेडियो पे ना कहीं। शादी वादी में गालियां वो अलग चीज़ मगर प्रोफेशनली कोई नहीं जाता। स्टॉक में हमारा पोस्टिंग था तो छोटा बच्चा जो हमारा था वो 7 महीने का था। आई नीड टू पेंट, उसको पीठ में और कोई हेल्प नहीं था, ना आया ना नानी ना दादी ना कोई भी नहीं था। आई वॉज अलोन विद अ चाइल्ड, तो उसको पीठ में शॉल से बांध के मैं पेंट करती थी। पुरुष अपने आप को कई मामलों में मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते मगर हम लोग हर चीज़ को सहन करने का हमारे पास शक्ति है और पढ़ाई में हो या किसी भी काम में हो, आज इंडियन एयरफोर्स में इंडियन नेवी में इंडियन आर्मी में हमारी बहनें कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अरुणाचल से भी बहुत सारी बहनें निकले और निकला भी है, अभी एक आर्मी ऑफिसर भी है हमारी। तो मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को कमज़ोर तो मैं नहीं सोचती हूँ और कोई अगर मेरी बहनें सोचते हैं तो वो भी सोचना चाहिए कि हम लोग किसी से कम नहीं है, हम लोग कोमल हैं मगर कमज़ोर नहीं है। बदलते दौर में बदलती भूमिकाओं के बीच ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि घर और घर से बाहर दोनों जगह पुरुष और स्त्री के बीच बराबर की साझेदारी।